दोस्तों, अगर आपके पास मोटोरोला एज 40 नियो मोबाइल है और आप उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग के बाद आपको जाना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्प्ले, डिस्प्ले में आप टाइप करेंगे। उसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन रिकॉर्ड, इस पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, यानी कि आपको स्मॉल साइज में करना है या लार्ज साइज में करना है। क्वालिटी चाहे तो क्वालिटी भी सिलेक्ट करते हैं कर सकते हैं, जैसे 1080p या 720 पर पिक्सल पे आपको रिकॉर्ड करना है। या आप इसको सेलेक्ट करने के बाद में फिर आप चाहें तो इसकी लिमिट लगा सकते हैं कि यानी आपको 5 मिनट करना है या 10 मिनट मैक्सिमम करना है, वो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टाइम सेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड पर रखेंगे तो जितना आप रिकॉर्ड करेंगे सब रिकॉर्ड होता जाएगा। और इसके बाद ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है रिकॉर्ड टच पॉइंट्स, तो जो आप टच करेंगे इधर उधर उसमें कोई ऐप्स वगैरह करेंगे तो वो भी आपको दिखाई देगा, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी चालू हो चुकी है और यहाँ पर अभी इस पर नहीं चालू हुई है। यहाँ पर आपको इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करना है और ये यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए माइक एक्सेस अवेलेबल दिखा रहा है। स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये स्टार्ट करने को ऑप्शन मिल जाएगा। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग है वो 3 सेकंड बाद चालू हो जाती है। ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी चालू हो गई है। अब आप जो भी यहाँ पर ऐप्स वगैरह खोलेंगे सब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है। जैसे ही आप इसको टैप करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर फाइल्स ओपन करनी है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्ड का। ये देखिए अभी अभी जो हमने फाइल रिकॉर्ड की है वो ये फाइल यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। ये देखिए जैसे हमने खोला था सेम वैसे ही ये खुल रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए।